चलो इधर आ जाओ हुल्दा, साइड पे साइड पे साइड पे। ये मक्खियां चिपक गई हैं वगैरह लेके आ गए हैं घर की टैक्स लाजमी। ये लो बेटो, मम्मा की जान, ये लो चलो दौड़ जाओ अंदर, बाकी चीजें निकाल लूंगा मैं। वैसे सिंथिया को नूडल्स वगैरह ना बहुत कम देती हूँ, पर आज इसने देखे हैं तो इसका दिल कर रहा था। ये चीज वाले अब फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करने हैं, देखो कैसे बनते हैं। ये वेफर वाला बिस्किट भी है इनके लिए और घी भी है। और चावल अभी मैं उस दिन लेके आई हूँ यार, और वो फिर इतने महंगे हो गए शॉर्ट हो गए, फिर ये वाला ले आई हूँ क्योंकि कल हमने मसर बनाए थे वो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा साथ चावल बना लेते हैं उसके। लेकिन कितनी जल्दी उसने जूती भी देखे मैट्रेस पे ही रख दी है। चलो उसको बाहर निकाले गंदा बच्चा, सारा रूम मैंने नीट किया, गंद नहीं डालना। अच्छा चलो बैठ के खा लो, बैठ के खाओ दोनों, बैठ जाओ। लोग को मैंने अच्छी तरह से धो के ना और भिगो दिया था, दूसरी तरफ मैंने इनका तड़का रख दिया था। एक दो दिन से मैं बिल्कुल भी नहीं ब्लॉग बना सकी क्योंकि ना घर में गेस्ट आए हुए थे, तो उसकी वजह से फिर टाइम का पता ही नहीं चलता था कैसे गुजर रहा है फटाफट से। अब वो लोग गए हैं, अब मेरे बच्चे इतने उदास हो गए हैं उनसे कि ना बोर होते हैं। ये देखें अब इसको किचन में मैंने अपने साथ खड़ा किया हुआ है, और ये मैं लेके आई थी सब्ज़ी, आज बना रही हूँ आलू पालक, पालक ली है आलू ली है। इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है अभी रात रात में ही, अभी तो यानी कि एक दिन भी नहीं हुआ, 24 घंटे हुए होंगे चले जी पकड़े हुए, तो इतने हालात ही ख़राब हो गए, सारा कुछ एकदम से इतना महंगा हो गया। बस हमारी आवाम का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। और जो हम लोग ना ढूंढ रहे हैं घर, घर हम लोग शिफ्ट करने लगे हैं, बस इसी की कोशिश में लगे हुए हैं। खुदा बेहतर करे अच्छा सा हमें कोई घर मिल जाए, इसकी वजह से भी फिर बार बार बाहर आना जाना होता है, घर में फटाफट होता है काम करें ख़त्म। और घर देख रहे थे हम लोग, बच्चों की गर्मियाँ आ गई, मौसम चेंज हुआ, कपड़े स्टिच करवाने थे वो स्टिच करवाए हैं, वो लेने गई थी सुबह स्टिच कराया, वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे प्यारे से कपड़े स्टिच हो गए हैं इनके, कुछ रह गए हैं और कुछ हो रहे हैं, फिर एक ही दफ़ा कंप्लीट हो जाए ना। सब्जियां लेके मैं अच्छे से धो के रखती हूँ, अब मैं पालक को काट के धोऊंगी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? तो बेटा उसने आपके पास ही आना ना, बहना उसके। किसको धमका रहे हो आप पापा? हैं थोड़ी देर खेल लो। कैसे हो जाएगा? आता नहीं होता ऐसे, जब ऐसे हाथ में लगता वो फिर हाथ में नहीं लगेगा। अच्छा चलो आप पहले इसके साथ खेल लो, फिर भाई साथ खेल लेना, ठीक है? मुझको क्रिकेट फिट में रख दो। अच्छा दे दो, फिर मेरे को आटा गाल। ठीक है खेले। हाँ जी अच्छा दे दो। दोपहर का टाइम है और ये अब हम खा रहे हैं दाल चावल। ओए वेट करो, अभी हॉट है थोड़े से बेटा, वेट करो मैं मिक्स करके दे रही हूँ आपको। सिंधी ऐसे नहीं करो मेरी जान, ठहरो। अच्छा मम्मी मैं ऐसे करूँ? सॉरी। आज आपको बिल्डिंग बना के दिखा रही है, आपने बहुत सी बिल्डिंग्स देखी होगी, पर ये मेरी सिंथिया की देखे, ये ले जी। कब तक बन जाएगी ये? अच्छा ओके।
वेरी गुड, क्लैपिंग सिंथिया, क्लैपिंग, वेरी गुड। चलो जी नीचे भी उतार ले आप। उल्दा ने ना काफी एक दो दिनों से तंग किया हुआ था, बहुत ज्यादा इसकी ना तबीयत खराब हुई थी, जैसे चिड़चिड़ी सी और वीक बहुत हो गई है। देखिए कितनी सी हो गई, चूजा बन गया बिल्कुल। बालों की ग्रोथ भी ना इसकी एकदम से कम हो गई, नहीं तो अच्छी भली हो रही थी। फिर डॉक्टर को मैंने दिखाया, उसने इसे ये दूध लिख के दिया और ना ये ऑयलिंग, मैंने ऑयलिंग तो मैंने खैर खुद से स्टार्ट किया है, ये लिया कैस्टर ऑयल। और इस ऑयल में ना, यानी कि ये तो वैसे डिब्बी थी खाली, इसमें मैंने ना जैतून का तेल और बादाम रोगन डाला। अब ये तीनों तेल ना इसे मैं मिक्स करके तो लगाती हूँ, मसाज करती हूँ इसकी, देखिए फ़र्क पड़ता है। दूध अभी एक दो दिन हुए हैं स्टार्ट किया है साथ में, और उसने मल्टी विटामिन लिख के दिए हैं, इससे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, तो बिल्कुल चूजा सा ही हो गया मेरा। आज जी शाम के टाइम बन रही है आलू पालक, ये रेडी हो गई है, बस मैं साथ में रोटियां बनाती हूँ। और ना किचन की हमारे दोनों लाइटें ख़राब हो गई, तो फिर ये लाइट हमने इधर लगा ली, पाकिस्तानी हम कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं। अभी शॉप सारी बंद है तो ये दोनों बल्ब जो है ख़राब हो गए, वैसे भी फिर हमने घर चेंज करना है तो इस वजह से अब रुक गए हम, और फिर इस तरह कर लिए। अब इसको अच्छे से मैं भून रही हूँ। सिंथिया सो गई आज उल्टे टाइम पे खेलती खेलती, अभी इतनी देर में इसका मूड ठीक होगा ना, मैंने कहा कुछ पका लूँ इसके लिए। मैं चावल बोल रही थी, चावल पड़े हुए हैं दोपहर को जो बनाए थे, चूल्हा में बिल्कुल आहिस्ता कर दूँ कि ये खलारा डाल के ये बैठी हुई है, ये अपनी गेम देख रही है। अब वो वाली बेगम को उठाते, अब वो वाली रानी बेटी को उठाते हैं, और ये रानी बेटी इधर बैठी हुई है छोटी वाली पारिशी, देखिए अभी ऐसे हिलती रहेगी। चलो उठ जाओ सिंथिया, बस फिर ठीक हो जाते हैं ना थोड़ी देर में, इतनी देर तो नहीं ना सोते हैं इस टाइम पर, रात थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं। ये सिंथिया अपने लिए लेके आई थी जी नूडल्स, और इसको खाए बगैर कैसे नींद आ सकती थी। मैंने राइस भी बनाया है, रोटी भी बनाई है, कहती मैंने नूडल्स ही खाने हैं, मैंने कहा चलो जी खा लो। वैसे जब हम भी छोटे थे अपनी कोई पसंद की चीज़ लाते थे तो खाए बगैर सुकून नहीं आता था, नींद भी नहीं आती थी, रात सारी घूमती रहती थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खा लो आप, राइस का क्या है, वो ये बेगम खा लेगी, ये रानी बेटी छोटी हमारी प्रिंसेस खा लेगी, क्योंकि ये नहीं खाती नूडल्स शौक से। क्यों पकड़ा है बेटा आपने, चल खा ले अब जल्दी से खा ले, नूडल्स में तो नहीं घिरा पानी। चलो ठीक है खा लो, मिक्स कर करके खाओ थोड़ा थोड़ा डाल के ना, क्योंकि फिर वो भी बहुत हॉट थे। उल्दा बस बेटा पानी पीते हो, एक नवाला लेते हो पानी पीते हो, फिर खांसी आने लग जाती है। हाँ। बस करो। मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, ओके, और दोनों ने लड़ना नहीं है, ठीक है। रोटी बनाते हम, आजकल आटा पता नहीं कैसे काया हुआ है, देखे सारा ना काला काला हो जाता है, रोटी भी खाने का दिल नहीं करता। चावल ये मैं अंदर रख देती हूँ, आलू पालक हो गई थी रेडी, रात का टाइम आ गया।